दी लॉन्ग वार्निंग काजल आई लाइनर। सो ये सब आप रैपर में देख लेंगे, आपको सब पता चलेगा। बट इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये काजल जो है हमारे आईज में स्टॉप कर आईज में अगर चश्मा का बोला थे गूगल बंद कर। हाय एवरीवन, मैं हूँ आंचल मौर्य। आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं आइकॉनिक काजल के बारे में, जो कि मेरे पास ब्लू हेवन का आइकॉनिक काजल है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं वीडियोस में ऐसा कोई फैक्ट नहीं बताती जिससे आपका 5 से 7 मिनट टाइम बर्बाद जाए। सो गाइस, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। उससे पहले आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के हमें प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सारे नए से नए वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो गाइज, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा जो काजल है ब्लू हेवन का सॉफ्ट काजल है, आई लाइनर है, तो ये लॉन्ग लास्टिक है और एक्स्ट्रा ब्लैक है, वाटरप्रूफ है। सो इसमें जो MRP दिया गया है 125 MRP, लगभग आपको मार्केट में 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। और ये आप कैसे अप्लाई करते हो, इसमें कोई अलग नहीं है, बहुत सिंपल है आप अप्लाई करने में। तो इसे आप डायरेक्टली अपने आईज़ पर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। बट अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम्स हो रही है इसमें, तो आप अपने आईज़ पर पहले चेक कर लोगे। और ऐसा होता है कभी कभार हम देखते हैं आँखों से पानी निकलता है किसी के, तो उस टाइम ये हमारे आँखों में सेट नहीं होता, तो हम आईज़ पर जब लगाते हैं तो आँख से पानी थोड़ा निकलता है, तो हमें उस टाइम अपने आईज़ को थोड़ा सा 10 सेकेंड क्लोज रखना है। और आप क्लोज़ करोगे, उसके बाद ओपन करोगे, तो हमारे आँखों से जो पानी निकलता है वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाता है। तो ये अगर फिर भी उस टाइम निकल रहा है तो आप वो काजल नहीं यूज कर सकते, उसके बजाय आप दूसरा हर्बल काजल यूज कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर फिर भी आपका ये काजल नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे आंखों से पानी निकल रहा है, तो आप डॉक्टर से एडवाइस लेके ही यूज करें। ज़बरदस्ती नहीं, आप काजल ले रहे हैं बट आपको यूज कर रहे हैं बट आपकी आंखों से पानी निकल रहा है, तो आप डॉक्टर से एडवाइस लेके यूज कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ आपको ये काजल क्या लुक देता है। ये काजल है, आप देखेंगे इस तरह का। और हमें इस तरह ज़्यादा नहीं ओपन करना है, थोड़ा सा ओपन करना है। हमारे आँखों में थोड़ी सी काजल लगी हुई है और हमें डार्क करना है इस। और अगर आप डार्क करते हो तो हम ये देख रहे हैं आप, इस तरह से अपनी आँखों में लगा लेना। अगर आपको डार्क लगाना है तो आप 3-4 राउंड करके अपने आईज़ में जो काजल लगाते हैं वो डार्क हो जाता है। तो गाइज़, ये काजल का स्टेप जो है सिंपल है, आप लगा सकते हैं, इजीली है, इसमें कोई नहीं दिक्कत है। और इसमें जो है शॉर्पनर वगैरह वो आप देखेंगे, हमें इससे कोई मतलब है नहीं, इसमें एक्स्ट्रा में दिया रहता है। और शॉर्पनर से क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, क्लीन करते हैं, बस इसमें छीलना वगैरह कुछ नहीं है जैसे कि बाकी सारे काजल में होते हैं। ये ओनली प्लास्टिक का है और इसकी कंटेनर आप देख ही रहे हैं, ये कोई वैसा काजल नहीं है जिससे आप छीलेंगे और इसे करें लगाएंगे फिर उसके बाद। ये इस तरह का घुमाने वाला काजल है, इस तरह का ओपन करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो गाइज, ये काजल का स्टेप एकदम ईजिली है, आप लगा सकते हो बेशक, और मेकअप के लिए भी बहुत सही है। और ये हमारा मेकअप इससे बहता भी नहीं है, गर्मी में भी आप इसे यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी में तो ये समझ लिए हर एक सीज़न में आप इसे यूज कर सकते हो। इसमें कोई ये नहीं कि आप ये नहीं यूज कर सकते, वो नहीं यूज कर सकते, इस समय ये यूज करना है, ये परमानेंट आप इसे यूज कर सकते हैं। और ये हमारा लॉन्ग टाइम तक चलता भी है। तो गाइज, वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा, और वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय।